नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं आज के 16 इंच जॉइंट का कैसे होता है कैपिंग। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों वीडियो होने वाला है आज। तो देखिए दोस्तों, पूरा जॉइंट सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जॉइंट। यहाँ दोस्तों मशीन है, यहाँ पर सभी आदमी, यहाँ पर सभी, ये सब भी वेल्डर हैं, सभी रघु भाई, राजेश भाई और यहाँ पर यादव जी हैं और एक बेल यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू कर देखते हैं वीडियो में क्या क्या देखने मिलता है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का जो फिलअप हो करके जॉइंट है, ये जॉइंट हो गया फिलअप होके जॉइंट रेडी है। सभी जॉइंट फिलअप होकर ग्राइंडिंग वाइंडिंग सब करके रेडी है। और उसके बाद दोस्तों, अभी हम लोग का एक जॉइंट दूसरा उधर से जॉइंट जो है वो कैपिंग दोस्तों हो रहा है जॉइंट वो। तो दोस्तों वो भी दिखाने वाला हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, ये भी अपना वेल्डर है एलवर्ट भाई है, तो अभी पूछ रहे हैं कि आपका कैसे कैसे क्या है, नहीं तो पूछ रहे थे वो, तो उनको बताया मैं उनको। देखिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों यहाँ इसका कैपिंग चल रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, उपेंद्र भाई हैं तो ये वेल्डिंग कर रहे हैं इस टाइम में। और दोस्तों एक पास मेरे ख्याल से हो गया है, सो कैपिंग जो उठाते हैं रड तो मैं देखता हूँ कितना पास हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों कैसे करके इस जॉइंट को वेल्डिंग करने के लिए कम से कम 2-3 घंटा चाहिए इसको, पर मुझे 10-15 मिनट में मुझे वीडियो को पूरा करना है, तो उसको वीडियो को कटिंग करना पड़ता है। जैसे कुछ 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 जगह पे मैं तुमको देखा वीडियो दिखाना पड़ेगा, और कंटिन्यू वीडियो दिखाएंगे तो कम से कम 1-2 घंटा का वीडियो बनेगा। तो दोस्तों उसको कौन देखने वाला है, इसके वजह से मैं इसको कम कम वीडियो करके मुझे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका रड ख़त्म होने वाला है अभी है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को कितना पास हो गया है और कितना पास अभी होना बाकी है अभी है। देखिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे जो काम हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चलता है, क्योंकि ज़्यादा अभी काम नहीं है उतना, काम ख़त्म हो गया लगभग लगभग, पर जो भी काम है वो फटाफट फटाफट काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी देखिए दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कितना जो कितना पास हुआ है अभी। तो एक पास दोस्तों हुआ है अभी, दोस्तों दूसरा पास अभी ये चलेगा अभी लगता है। दोस्तों फिर से दोस्तों रड लिया गया और दोस्तों फर्स्ट पास ये चल रहा है। और दोस्तों देखिए, अभी देखिए इतना सब अभी हुआ है तो भी 2-3 2-2.5 मिनट का वीडियो बन चुका है, पर मैं कुछ भी नहीं दिखाया हूँ तो पर भी। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे दिखाता हूँ मतलब दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे जाना भी वो नहीं है क्योंकि ज़्यादा ही लाइट लगे, तो फिर भी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया हुआ है, कैपिंग हुआ है, तो अभी फर्स्ट पास ही हुआ है, अभी दूसरा पास होना बाकी, तीसरा पास होना बाकी है अभी। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा वीडियो दिखाऊँ इसमें, क्योंकि दोस्तों ये कैपिंग के लिए ही वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज कैसे फाइनल करते हैं 16 इंच का जॉइंट तो भी ही दिखाने वाला हूँ आप लोग को। तो दोस्तों ये देखिए फिलअप हो गया है ऑलरेडी, फाइनल चल रहा है। और दोस्तों फर्स्ट पास भी हो गया है, सेकंड पास के लिए उसका ग्राइंडिंग चल रहा है, उसका ग्राइंडिंग होता है, एक जगह एक पास हो जाता है वेल्डिंग, उसके बाद में सेकेंड पास के लिए उसको ग्राइंडिंग किया जाता है साइड में, ताकि कुछ भी सिलेक्ट उलेक्ट कुछ रहेगा अगर तो वो सब निकल जाए उसमें से। देखिए दोस्तों, ये अपने उपेंद्र भाई हैं, बिल्कुल लगते हैं जैसे घोड़े जैसे लगते हैं, पर घोड़े नहीं हैं, इंडिया के ही हैं। देखिए दोस्तों, एकदम पूरा वाइट मिल्की वाइट है उनका फेस, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसीलिए उनके सामने दोस्तों गोरा लोग फेल हो जाता है, इतना दोस्तों भयंकर फेस इनका है। देखिए देखिए बहुत गुड आदमी है। तो दोस्तों अभी ग्राइंडिंग करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक पास तो हो गया, उसके बाद दोस्तों उसको ग्राइंडिंग करना पड़ता है, तो वही ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ग्राइंडिंग करके फिर से वो, फिर दोस्तों इसमें सेकंड पास चलेगा वेल्डिंग, उसके बाद दोस्तों थर्ड पास चलेगा। तो मैं देखता हूँ मैं कितना कितना दिखा पाता हूँ वीडियो, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है, टाइम इसके दोस्तों लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा जब काम होगा तो टाइम तो लगता ही लगता है कोई काम करने के लिए। ओके दोस्तों, वो तो टाइम लगने की बात तो है, अलग बात है वो। तो दोस्तों हम लोग आते हैं वीडियो पे, देखिए वेल्डिंग पे आते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, इस टाइम में वो गेंद नीचे में पॉइंट निकाल रहे हैं, नीचे में ग्राइंडिंग जो है वो ग्राइंडिंग से पॉइंट निकाल रहे हैं, कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया, उसके लिए उसको निकाल करके फिर दोस्तों सेकेंड पास के लिए जो वेल्डिंग को तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंड पास के लिए दोस्तों वो फिर से उस वेल्डिंग के लिए रेडी हैं, तो सेकेंड पास वेल्डिंग करेंगे। तो देखते थोड़ा वेटिंग कर रहे हैं,
अपने पार्टनर का, क्योंकि दोस्तों ये एक जॉइंट वेल्डिंग करने के लिए दो आदमी चाहिए कम से कम। देखिए दोस्तों अलवर भाई आ गए तो अभी ये नीचे उठा लेंगे, क्योंकि थोड़ा पानी पीना उनको हेस्ट कर, पानी पीने चले गए वो। और ये दोस्तों वो अभी ये नीचे उठा ले रहे हैं, तो तक में देखिए दोस्तों नीचे से दोस्तों उठने के, दोस्तों नीचे से उठाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मैं वीडियो अच्छा वीडियो दिखा पाऊँ, वीडियो में जूम करता करता हूँ मोबाइल कैमरा को। देखिए दोस्तों शायद आपको दिख रहा होगा दोस्तों नीचे से कभी भी वॉक उठाना है अगर तो थोड़ा रुक के चलिए, क्योंकि नीचे कभी भी जॉइंट जो वेल्डिंग करते हैं उस समय पतला हो जाता है नीचे साइड में, तो पतला होने से पतला होता है। तो सेकंड पास हो या कैपिंग कर रहे हो आप तो कोशिश कीजिए आप कि थोड़ा रुक के जाएँ हम। तो दोस्तों रुक के जाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप रुक के जाएंगे तो वहाँ पे जो मतलब कम वेल्डिंग हुआ होगा तो ज़्यादा वेल्डिंग वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों वहाँ फ़ायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों अभी इसको ऊपर तक टॉप तक चले गए हैं, मतलब टॉप नहीं मतलब जो सेकेंड जो यहाँ से जो डाउन से उठाए थे उसको थोड़ा आगे तो लेके चले गए हैं, इसके लिए बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ से। मैं उस साइड जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उस साइड से मैं आपको दिखा पाऊँ। देखिए दोस्तों अभी देखिए दोस्तों इसमें देखो, देखिए दोस्तों इसमें अच्छा से इसमें पूरा इसमें गेंडे उन करके सब रेडी है ये जॉइंट को सेकंड पास के लिए बिल्डिंग। देखिए दोस्तों अभी वेल्डिंग हुआ कि नहीं उसके पहले दोस्तों सेलेक्ट निकलने के लिए तैयार है, मतलब जो वेल्डिंग का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और रूट देखिए दोस्तों कितना अच्छा दोस्तों रूट इसका रूट हुआ है, एक नंबर क्वालिटी में रूट हुआ, पूरा अच्छा से रूट हुआ है। देखिए कितना बढ़िया रूट हुआ है रूट इसका दोस्तों, सभी जॉइंट का जो इतना भी जॉइंट दोस्तों इसमें सभी जॉइंट का अच्छा रूट हुआ है। मैं सबको तो नहीं मगर कुछ जॉइंट को मैं दिखा दूँ तो अच्छा रूट है। और देखिए इसका भी दोस्तों इसका भी 6 इंच का भी रूट भी ये भी अच्छा है दोस्तों। अगर अभी उस टाइम आर्क मारेंगे तो आर्क में और क्या होता है और भी अच्छा रूट निकल जाता है, क्योंकि अभी ये रूट हल्का सा मार के छोड़ा हुआ है, और जब आर्क फिलअप फिनल करेंगे तो उस टाइम हीट होकर के और ज़्यादा रूट अच्छा निकल जाता है रूट उस टाइम। देखिए दोस्तों अभी अल्बर्ट भाई का इनका दो रोड जला दिए अभी तो वो भी पानी पी के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा इधर से और दोस्तों फिर से ऊपर शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि दोनों साइड रोड को दोनों साइड नहीं मतलब एक साइड रोड को रोक करके और बस भगा के चल रहे। देखिए दोस्तों जो ऊपर साइड उसको रोड को रोक रहे हैं और बाकी जो नीचे है वो उधर से रोड को लेके जा रहे हैं आराम से। देखिए दोस्तों ज़्यादा मूविंग नहीं, हल्का हल्का मूविंग हो रहा है ओनली, ज़्यादा मूविंग करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये एक पास हो गया, दूसरा पास में चल रहा है और दोस्तों तीसरा पास के लिए तीसरा पास में देखिए दोस्तों कितना दोस्तों बिल्डिंग हुआ है कि जो सेलेक्ट है वो अपने सेलेक्ट छोड़ रहा है। देखिए दोस्तों नीचे टच की सेलेक्ट नीचे बाहर आ गया सेलेक्ट। तो दोस्तों वेल्डिंग की क्वालिटी में से ही मालूम पड़ता है कि कैसा आपका वेल्डिंग हुआ है, कैसा क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो कभी वेल्डिंग मारते हैं आप कभी वेल्डिंग करते हैं कोशिश कीजिए आप कि मैं सेलेक्ट को अच्छा से सेलेक्ट जो होता है वो अपने सेलेक्ट निकल जाए, क्योंकि अगर सेलेक्ट अच्छा निकल रहा है मतलब कि समझिए कि आपका वेल्डिंग जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि आपने पावर बराबर लिया हुआ है, आपने मूविंग बराबर किया हुआ है, उसी टाइम दोस्तों सेलेक्ट निकलता है उस वेल्डिंग का। देखिए दोस्तों फिर से उपेंद्र भाई आ गए हैं अभी मैदान में, फिर दोस्तों सेकंड रड थर्ड रड दोस्तों चालू हो गया नीचे से उठ करके, तो दो रड अलवर भाई उठा गए थे, तीसरे रड में भाई उपेंद्र भाई आ गए हैं, तो तीन रड चल रहा है यहाँ तक। और देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मैं दूर थोड़ा हूँ, दूर इसके लिए हूँ दोस्तों लाइट लगता है, इसके लिए दोस्तों थोड़ा दूर हो गया थोड़ा, अभी थोड़ा मैं पास थोड़ा आ गया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा दिखा पाऊँ। देखिए दोस्तों अभी दोस्तों जो कैमरा है कैमरा का जो लेंस है उसके ऊपर मैं थोड़ा वो ग्लास लगाया हुआ हूँ, पर दोस्तों इस ग्लास से उतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि जो अलग ग्लास होता है जो कैमरा के लिए होता है वो अलग ग्लास होता है, अलग लेंस होता है वो। पर दोस्तों इसमें मैं कोशिश करता हूँ मैं दिखाऊँ आप लोगों को अच्छे से। देखिए दोस्तों हिल गया थोड़ा सा, देखिए दोस्तों और देखिए दोस्तों बस दोस्तों हल्का हल्का उसमें मूविंग हो रहा है, हल्का हल्का मूविंग कर रहे हैं और दोस्तों दोनों साइड रड को रोके जा रहे हैं दोस्तों। देखिए देखो नीचे रड को रोक रहे हैं, ऊपर दोस्तों ऊपर रड को भगा के चल रहे हैं। देखिए दोस्तों कभी नीचे रोड रोकिए कभी ऊपर रोड रोकिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक मेंटेन होता चला जाता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा दोस्तों वेल्डिंग हुआ है अपना, एक नंबर क्वालिटी वाला। देखिए दोस्तों कोई कट कुट नहीं कहीं कुछ नहीं, देखे दोस्तों पूरा मस्त एक नंबर वेल्डिंग हुआ है। देखे दोस्तों इसके दोस्तों मैं थोड़ा पास में नहीं हूँ, थोड़ा दूर थोड़ा हो जाता हूँ जो वेल्डिंग स्टार्ट होता है तो, और वेल्डिंग जब ख़त्म होता है तो उस टाइम मैं थोड़ा उसके पास चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि कैसा वेल्डिंग हुआ है, कैसा क्या हुआ है नहीं हुआ है।
और दोस्तों ये जितना भी जॉइंट अभी वेल्डिंग चल रहा है वो सभी जॉइंट जो है वो 100% आरटी है, मतलब एक जॉइंट भी ऐसा नहीं है कि जिसका आरटी ना हो, सभी जॉइंट का दोस्तों आरटी होता है इसमें। शायद दोस्तों इसके पिछले वाला वीडियो देखे होंगे आप लोग, पिछले वाला क्या है उसको, पिछले दो तीन वीडियो के पहले आप देखे होंगे कि मैं दिखाया था कि हर एक जॉइंट में टेप बंधा हुआ था, मतलब टेप बंधा हुआ है मतलब कि उस सभी जॉइंट का आरटी होना है, आरटी होता ही होता है, आरटी है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी टॉप में दोस्तों आ गए हैं, अभी इस टाइम में टॉप दोस्तों वेल्डिंग करके छोड़ दिया, अभी निकल गए उसको दोस्तों। फिर से दोस्तों उसका ग्राइंडिंग होगा दोस्तों, ग्राइंडिंग स्किल दोस्तों होगा, ग्राइंडिंग होगा तो ही जा करके फिर से इसमें लास्ट पास मतलब थर्ड पास चलेगा इसमें। तो दोस्तों 16 इंच का जॉइंट इसमें इसके तीन लेयर उसको वेल्डिंग कर रहे हैं, पतला पतला वेल्डिंग हो रहा है, तीन लेयर तो अच्छा दिखता है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों अभी इसमें देखिए दोस्तों, फिर से दोस्तों अभी ग्राइंडिंग शुरू हो गया, अभी ग्राइंडिंग करके दोस्तों फिर से इसमें थर्ड पास वेल्डिंग शुरू होगा। देखिए दोस्तों ग्राइंडिंग करने के दोस्तों बहुत अच्छा ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सलेक वाले कुछ प्रोसर्टी कुछ ना उसमें रह जाए, कुछ रहता है तो फिर जो जॉइंट में दिक्कत होता है इसके लिए दोस्तों किसी भी जॉइंट को अच्छा। देखिए दोस्तों अभी नीचे से दोस्तों जॉइंट फिर से दोस्तों शुरू हो गया थर्ड पास वेल्डिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों अभी वो दो एक लड़ दो लड़ जा लेंगे तो उस टाइम इसको नीचे से थोड़ा ग्राइंडिंग करके पॉइंट वेल्डिंग कर देंगे, और उसको पॉइंट को ग्राइंडिंग करके फिर से दोस्तों उठा लेंगे लड। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों मैं इसको नीचे ग्लास लगाया था, हम दिखा दूँगा तो अच्छा सा कि आपको दिखाई पड़े इसमें। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों बिल्कुल दबा के रॉड्स को चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा दोनों साइड मूविंग करके जा रहे हैं, मतलब जिधर भी है मतलब जिधर एज जिधर है उधर ज़्यादा रॉड को रोक रहे हैं ताकि अंदर कट ना आए। दोस्तों नियम ही यही होता है कि जिस साइड में आपको एज आ रहा है उस साइड में आपको रॉड को रोक कर तो चलिए थोड़ा, उससे दोस्तों क्या होगा उससे कि आप कभी भी आपका जो अंदर का जो आपका कट कुट आना है वो सब नहीं आएगा। तो कभी भी जो आप लास्ट पास चल रहे हैं, देखिए दोस्तों कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, एकदम मस्त एकदम वेल्डिंग दिख रहा है, ताकि दोस्तों इसमें आपको मालूम पड़े जो आपको एज का साइज एज का जो साइड है उसको अच्छा से उसको आप उसको अच्छा से मतलब रोक के चलिए उस साइड में। और उसको देखिए दोस्तों उस साइड से ग्राइंडिंग हो रहा है, ग्राइंडिंग स्किल दोस्तों हो रहा है उसमें, ताकि जो भी इसमें थोड़ा प्रोसर्टी उसे कुछ होगा अगर सलेक्ट वाला कुछ होगा अगर तो सभी दोस्तों निकल जाएगा इसमें से। देखिए दोस्तों अभी लंच टाइम हो गया है, सभी वेल्डर्स जो भी हैं जो यहाँ पर दोस्तों जो भी वेल्डर खड़े हैं सब दोस्तों वेल्डर सब लोग हैं। देखिए दोस्तों अपना वो चार आदमी खड़े हैं, पांच आदमी खड़े हैं दोस्तों, मैं सॉरी चार बोल रहा हूँ, पाँच आदमी, रघुवीर भाई, मनीष भाई, एच के शर्मा जी और दो आदमी का मैं नाम भूल गया दोस्तों मैं क्या करूँ, और दोस्तों दो आदमी दोस्तों उसमें थे विकेश भाई और दोस्तों एक और आदमी थे हमको उनका नाम हाँ विनोद भाई, तीन चार आदमी दोस्तों में वो है वहाँ पे थे। दोस्तों आजकल कलयुग का दोस्तों प्रकोप चल रहा है, इसके लिए नाम बहुत जल्दी नाम भूल जाता हूँ किसी का नाम, क्योंकि नाम बराबर याद नहीं रहता है। तो नाम के दोस्तों कल क्या खाना खाया आप खुद देखिएगा वीडियो, जिससे सुनिएगा आप खुद याद कीजिएगा कल खाना क्या खाया, कल नाश्ता क्या किया है, उस सोचने के लिए आपको दिमाग को जोर देना पड़ेगा कि हमें हाँ मैं क्या कल खाना पीना खाया था मैं। तो दोस्तों ऐसा दोस्तों कलयुग आ गया आजकल कि हम लोग को कुछ याद नहीं रहता है बराबर से कि हम लोगों ने कल क्या खाना खाया, कल क्या हम लोगों ने नाश्ता किया था खाना खाया था वो हमको वो याद नहीं रहता है, तो फिर तो नाम तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। पर दोस्तों वो अलग चलिए अलग मैटर हो गए, इसमें हम लोग आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी इसमें यहाँ तक आ गए हैं इसमें वेल्डिंग करते करते, देखिए दोस्तों इसमें अभी यहाँ तक आ गए हैं, अभी दोस्तों इसमें अभी आराम से दोस्तों देखिए दोस्तों आराम से दोस्तों दोनों साइड मूविंग करके जा रहे हैं, हल्का मूविंग करना, ज़्यादा मूविंग नहीं करना, हल्का मूविंग करके जाना है ताकि जो आपका जो ये जॉइंट का जो है जॉइंट का जो दोनों एज है वो बराबर मेल्टिंग होते जाए। मेल्टिंग कैसे करना है दोस्तों, जगह देखिए जैसे कि आपको एज साइड है उधर थोड़ा ज़्यादा रोकना है और ऊपर जो है उसका जो इधर वेल्डिंग फर्स्ट सेकेंड लेयर वेल्डिंग करके आए हैं उधर से आपको थोड़ा कम रोकेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों पूरा दोस्तों वेल्डिंग बैठ गया अच्छे से, तो ऐसे दोस्तों वेल्डिंग करना है। देखिए दोस्तों तीन पास वेल्डिंग हो गया और दोस्तों तीन पास में इसको ख़त्म कर देना है, 16 इंच का जॉइंट है तो तीन पास वेल्डिंग
इनफ है, मतलब काफ़ी है, दो तीन पास होल्डिंग कर दे रहे हैं आप तो। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, सभी जॉइंट का जितना जो है तो फिलअप करने के लिए सब दोस्तों जॉइंट आज फाइनल हो गया है, सभी जॉइंट दोस्तों कंप्लीट हो गया। क्यों दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो थोड़ा मैं कटिंग किया हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा था। और दोस्तों अपना जो है प्रभु भाई हैं ये भी रिपोर्ट लिख रहे हैं, कल आरटी होना, आज रात को आरटी होना है, तो इसके लिए दोस्तों इसका रिपोर्ट पर लिख करके ले जाएंगे, फिर रिपोर्ट में देंगे तो इसका आरटी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो 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 जॉइंट अभी दोस्तों मैं दिखाया था आपको, मैं इसमें बिल्डिंग होने के लिए जो बिल्डिंग हो रहा था अभी, तो दोस्तों देखिए फुल जॉइंट कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों, ये छः इंच का जॉइंट तभी दोस्तों वहाँ के तभी जॉइंट कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, अभी ये जॉइंट दोस्तों मैं दिखा रहा था आपको, तब से मैं आप लोग को देखिए दोस्तों कितना बढ़िया दोस्तों कैपिंग हुआ है, पूरा अच्छा से कैपिंग हुआ है सभी जॉइंट। देखिए दोस्तों, ये भी जॉइंट कितना अच्छा कैपिंग हुआ है, मस्त। थोड़ा सा लाइट जला दिया मोबाइल थोड़ा ताकि मालूम पड़े आपको। देखिए दोस्तों, एक नंबर जॉइंट कैपिंग हुआ है एकदम, बस मस्त को बढ़िया से अच्छे से। देखिए दोस्तों, तो ओके दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो बेल आइकन घंटी होता है वो भी जरूर दबा दीजिएगा और उस पर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि उससे दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं डालूंगा नया वीडियो, उस वीडियो आपको मिल जाएगा।